पिछले कुछ दिनों से आगरा का तापमान 40 से 45 डिग्री से ऊपर जा रहा था। बृहस्पतिवार को आसमान पर घने बादल छाने के चलते राहत नजर आई, तो लोग दिन में भी अपने आशियाने से निकलकर पार्क में घूमने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को आसमान में घने बादल छा गए और फिर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, तो लोग अपने आशियाने से बाहर निकलकर पार्क में घूमने के लिए आए और पालीवाल पार्क में नौकायान का लुत्फ़ उठाकर काफ़ी इंजॉय किया और कहा कि पिछले कुछ दिनों से शहर में इतनी गर्मी है कि बाहर निकलना दुश्वार हो रहा था। गर्मी पसीने छुटा रही थी तो अब दिन में ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, तो लोग पार्क में घूमने आए हैं और नौकायान का लुत्फ़ ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम घर से निकले थे तो लगा था कि बहुत गर्मी होगी आगरा में, बट हम घूमने आए तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, घूमने में मज़ा आ रहा है और स्पेशली इस एनवायरनमेंट में तो बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में। हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि समर्स का मौसम है, अच्छा विंटर्स टाइप वेदर है। हम जब निकले थे तो हमको लगा था काफ़ी गर्मी होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद में जैसे बादल वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छा वेदर है और बहुत इंजॉय किया। बच्चे भी बहुत खुश है बोटिंग वोटिंग करके, बहुत अच्छा लगा। आगरा में देखा जाए वैसे और कई ऐसी घूमने जगह नहीं, पालीवाल एक प्रमुख जगह। हाँ जी, और बादल भी आ गए तो क्या कुछ नौकायान का लुत्फ़ उठाया, कैसा लगा आगरा? बहुत अच्छा लगा आगरा लगे, बहुत अच्छा वेदर भी आज बहुत अच्छा है, मतलब घूमने का काफ़ी आनंद आया आज, बच्चों ने भी खूब मजे किए। इधर आया था संजय पहले, मैंने कहा चलो घूम लेते हैं, पालीवाल पार्क खुला था, मैंने बोटिंग कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगा। मैं सबसे गर्म शहर आगरा रह रहा, 40-45 डिग्री तापमान है और मौसम आज अच्छा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे नौकायान? सर आज का मौसम बहुत अच्छा है, अच्छा लगा, धूप कम थी तो हमने कहा बोटिंग कर लेते हैं, तो आ गए हम बोटिंग करने, बहुत ही अच्छा लगा। गर्मी से राहत है क्या? बिल्कुल, आज गर्मी से बहुत अच्छी राहत है। कैसा लगा? राजस्थान से आए एक परिवार ने कहा कि गर्मी इतनी तेज है कि लग रहा था कि आगरा नहीं घूम पाएंगे, पर आज मौसम बहुत ही अच्छा है और मजा आ रहा है, ठंडी हवा चलने से राहत की सांस मिल रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।